नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। सीएम हाउस में पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पोरा तीजा तिहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर निवास में आज पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ पोरा तीजा तिहार मनाया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने अपनी धर्म पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान शिव और नंदी बैला और जातापुरा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर सभी माताओं और बहनों को त्योहार की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम बघेल 20 अगस्त को न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ की दूसरी किस्त 19 लाख किसानों के खातों में करेंगे ट्रांसफर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की राशि का ऑनलाइन अंतरण करेंगे। मोहर्रम पर मातमी जुलूस और सवारियों पर रहेगी पाबंदी। मोहर्रम त्योहार मनाने को लेकर कंट्रोल रूम स्थित C4 बिल्डिंग में एक बैठक हुई, जिसमें आपसी सहमति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोरोना के मद्देनजर पूरे शहर में इमाम हुसैन की याद में निकाले जाने वाले मातमी जुलूस और सवारियों पर पाबंदी रहेगी। रायपुर शहर में मोमिन पारा, आजाद चौक, ईरानी डेरा एवं सिविल लाइन के सिर्फ एक एक ताजिया निकाले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक ताजिया के साथ चार चार व्यक्ति तथा सवारियों के साथ दो दो व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी गयी है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग एवं शस्त्र प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। बैठक में प्रशासन ने समस्त ताजिया एवं सवारियों को सूर्यास्त के पूर्व करबला पहुंचने की जिम्मेदारी कमेटी को दी है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मोहर्रम त्योहार के लिए सशर्त सहमति प्रदान की गई। 9 साल की बच्ची का अपहरण। पथलगांव में फिर एक बार नाबालिग बच्ची के अपहरण की घटना ने दहशत का माहौल बना दिया है। सोमवार को दोपहर से गायब 9 साल की प्रियंका इक्का नामक बच्ची के परिजनों ने रात 8 बजे पुलिस थाना पहुंचकर मामले की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने 3 अलग अलग टीम बनाकर खोजबीन की है, लेकिन अभी तक बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। चेकिंग के दौरान ASI और आरक्षक पर चढ़ाई गाड़ी। राजधानी रायपुर में पुलिस कर्मियों को चेकिंग के दौरान बिना नंबर की क्रेटा कार को रोकना महंगा पड़ गया। क्रेटा कार के ड्राइवर ने वाहन चेकिंग में लगे ASI और आरक्षक पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला राजेंद्र नगर थाना इलाके के अमलीडी चौक का है, जहां महासमुंद जिले से कोरोना संक्रमण ड्यूटी पर रायपुर आए सहायक उप निरीक्षक जगतपाल सिंह ठाकुर और आरक्षक ड्यूटी पर तैनात थे। सांस लेने में तकलीफ के बाद गृह मंत्री अमित शाह देर रात एम्स में भर्ती। अभी ठीक है तबियत। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांस लेने में परेशानी के चलते शाह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हें अपने शरीर में कई तरह के प्रभाव दिख रहे थे। कुछ दिनों से उनके बदन में दर्द था, इसके बाद उन्हें कल रात एम्स में भर्ती कराया गया। गृह मंत्री की हालत स्थिर है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 27 लाख पार, करीब 52,000 मौतें, 24 घंटे में 55,000 मामले बढ़े। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। देश में अब तक कुल 27 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 52,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 55,079 नए मरीज सामने आए हैं और 876 लोगों की मौतें हो गई है। संदिग्ध महिला की गुत्थी सुलझी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से है कनेक्शन। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा एक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों और वीडियो से खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस दौरान कथित आत्महत्या की, उस दौरान एक संदिग्ध महिला उनके बिल्डिंग में जाती हुई दिखाई दी। पिछले कई दिनों से इस महिला को पहचानने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो इस महिला की पहचान हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस महिला का नाम जमीला है। ये महिला रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की दोस्त है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।